ये आजकल की जनरेशन वीडियो देख लेते हैं अगर बेल आइकॉन नहीं दबाते, दबाओ। राम राम भाइयों, आज के वीडियो में आपको पता चल ही गया हमारा टॉपिक कौन सा है, किस टॉपिक पर बात करनी है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज के इस वीडियो में बताऊंगा आपको चार ऐसे खतरनाक टॉपिक जिसमें आपका चैनल तो ग्रो होगा ही होगा, बट आपको टॉपिक भी मिल जाएंगे कि हमें चैनल इस टॉपिक पर स्टार्ट करना चाहिए, वो बढ़िया चलेगा चैनल और ग्रो भी अच्छे से होगा। तो ये चार जो बढ़िया सा मैं टॉपिक बताने वाला हूँ उनको आप कंटिन्यू देख रहे हैं। ये एक बात बता दूँ आपको, जब भी यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं कोई भी, मतलब शुरू करते हैं तब तो मतलब 10-12 वीडियो तक तो टॉपिक बहुत भरे रहते हैं, बाद में यार सभी के पास टॉपिक है जो ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मतलब यार बहुत सारे यूट्यूबर को प्रॉब्लम आ जाती है, भैया अब कहाँ पर किस पर बनाएं, वीडियो कैसे बनाएं। तो ठीक है, आप इस टॉपिक पर अपना चैनल है जो स्टार्ट कर सकते हो, जो बढ़िया बढ़िया मैं आपको 5 टॉपिक बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आपको एक बात बता दूँ, यूट्यूबर के लिए हमारे चैनल पर एक पूरी प्ले लिस्ट पड़ी है यूट्यूब गाइड के नाम से, इसमें बहुत सारे चैनल है और बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, वो आप देख के अपने चैनल को अच्छे से ग्रो कर सकते हो। अगर वो आप पूरे सीख गए तो आपका चैनल 100% ग्रो कर देगा, करेगा जरूर, ठीक है। तो वहाँ से आप पूरी ट्रेनिंग ले सकते हो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया लाल वाला बटन दबा दो अगर नहीं आए हो तो, अगर पुराने हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यार। तो भैया आज का हमारा जो सबसे पहला और सबसे बढ़िया और सबसे खतरनाक जो मतलब टॉपिक है वो है टॉप 10 और टॉप 5 और टॉप 10, इन पर आप अपना चैनल बना सकते हो, क्योंकि इस पर बहुत सारी कैटेगरी आ जाती है यार। आप टॉप के अंदर देखोगे तो टॉप 10 टॉप 5 के अंदर तो आप उसमें बहुत सारे बता सकते हो, टॉप एप्स, टॉप 5 मूवी, टॉप 5 प्लेस, टॉप 10 यूट्यूबर, टॉप 10 क्रिकेटर, टॉप 10 एक्टर, टॉप 10 टूरिस्ट के प्लेस हैं जो मतलब टूर करने वाले। वैसे यार आपको पता है बहुत सारी जगह तो टॉप 10 पर कोई मतलब अंत नहीं है, इतने सारे आपको टॉपिक मिल जाएंगे। तो टॉप 10 वाले चैनल बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, क्योंकि यार सभी को मतलब बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखने का पसंद होता है। आप टॉप 10 मोबाइल वगैरह किसी भी चीज़ का बता सकते हो, इसमें आपको सब कुछ मिक्स हो जाएगा, टैग वगैरह पर टॉप 10 वाला हो जाएगा तो आपको सब्सक्राइबर इसमें बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि लोग यार लोगों को पसंद होता है ये चीज़ टॉप 10 क्या होता है वो सब देखना। मैं आपको इस चीज़ का थोड़ा उदाहरण भी देके बता देता हूँ। आप यूनिवर्स एडवेंचर का चैनल देख सकते हो, टॉप फैक्ट मतलब टेक फैक्ट का चैनल देख सकते हो, वो सब वैसी चीज़ें बताते हैं यार, बहुत सारे मतलब मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर हैं और व्यू का तो कोई अंत नहीं है, सभी मतलब मिलियन के ऊपर ही जाती है, 5-7 मिलियन के ऊपर जाती है सभी वीडियो। और आप खुद भी अपने खुद से यूट्यूब पर सर्च मार के देख सकते हो कि टॉप वाली चीज़ों का कितना मतलब रिजल्ट आ रहा है सर्च का, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला टॉपिक, अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो फोटो एडिटिंग के बारे में, आप लोगों को फोटो एडिटिंग के बारे में बता सकते हैं। मतलब एंड्रॉयड फ़ोन में अगर आपको बताना है तो पिक्सआर्ट मतलब सबसे बढ़िया आता है, वो लोगों को पूरा किसी को भी नहीं चलाने आता, मास्टर से मास्टर को पूरा नहीं चलाने आता। अगर आपको अच्छे से आता है आप इसकी सीख के लोगों को एक जगह बता सकते हो, ठीक है, अलग अलग चैनल सीख के। अगर आप इसी में बता रहे हो तो यहाँ पर फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ के बारे में बता सकते हो, क्योंकि ये यार बड़ी बड़ी सीरीज़ होती हैं, इनसे बड़े बड़े काम चलते हैं, बहुत मतलब बढ़िया सबसे बढ़िया ऐप है, आप इनके जरिए बताते हो क्योंकि लोगों को ये देखना पसंद है। अगर आप टेक वाले में अंदर घुसे हो तो वहाँ तो हमारे जैसे यूट्यूबर ही मिलेंगे तो क्यों सब्सक्राइब करेंगे। इस फोटो एडिटिंग के लिए यार हर कोई सीखने के लिए आ जाता है, ठीक है, इसमें टेक वाले की जरूरत नहीं है, तो वो लोग आपका चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आपको पता है नया यूट्यूब पर कोई भी नया आता है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाते हैं। तो आप फोटो एडिटिंग के बारे में बता सकते हो, ठीक है, पिक्स आर्ट भी सिखा सकते हो ओनली फॉर, और आप फोटोशॉप और कोरल ड्रो के बारे में भी बता सकते हो, ये दो जो है कंप्यूटर की एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा दो नंबर टॉपिक। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं व्हाट्सएप स्टेटस के बारे में। मतलब व्हाट्सएप स्टेटस आप देख सकते हैं यार टी सीरीज़ वगैरह पर और सारे गामा पर, इस पर न्यू मूवी आती है उनका वीडियो जो है सो उनको उन पर रिलीज़ होते हैं, तो आपको स्टेटस 30 सेकंड का कट करके डाल देना है और वहाँ से आपको क्या करना है मतलब उस पर यार मिलियंस में व्यू आ जाते हैं एक दो दिन में। तो न्यू सॉन्ग पर आप कभी मतलब आप टैग मतलब वो टाइटल में दम देना, थोड़ा टाइटल वगैरह टैग वगैरह अच्छे से डालोगे और कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा, 30 सेकंड से कम का रखना, मैं तो कहता हूँ 30.90 सेकंड के आसपास रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। और व्हाट्सएप स्टेटस को मोनिटाइज किस प्रकार करना है वो मैं आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या हमारे चैनल पर आपको वो मिल जाएगा, उसका वीडियो वो आप देख सकते हो, ठीक है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और व्हाट्सएप स्टेटस पर तो यार इतना ज़्यादा आप मैं जो भी कैटेगरी बता रहा हूँ सर्च करके खुद देख सकते हो, कितना ज़्यादा मतलब दो तीन महीने एक महीने में मिलियन 7-8 मिलियन व्यू आ जाते हैं, जिससे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। और जब चौथा जो हमारा टॉपिक है वो कॉमेडी है। कॉमेडी का यार मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मतलब कॉमेडी के चैनल इतने जल्दी ग्रो होते हैं। आप अमित बढ़ाना, बेबी क्वाइन, मतलब अवानी सिंह और अमित,
इलविश यादव वगैरह के देख सकते हो आप यार, उनका चैनल मैंने बहुत थोड़े दिन पहले सब्सक्राइब किया था, आज उनके 2-3 मिलियन मतलब फटाफट बढ़ रहे हैं यार, कितने जल्दी से ग्रो हो रहे हैं। कॉमेडी का चैनल तो मैं कहता हूँ अपनी रीजनल लैंग्वेज में बना लो तो इतना ज़्यादा मतलब ग्रो होता है, कोई अंत नहीं है, कॉमेडी का चैनल सबसे ज़्यादा ग्रो होता है। तो आपको इनमें सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप अपने चैनल पर कौन सी कैटेगरी स्टार्ट कर रहे हैं वो भी अपने मतलब जो कमेंट बॉक्स है वो खाली पड़ा है उसमें अपना जो ओपिनियन है वो जरूर देके जाना। ओके, तो आपको वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना भैया, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी धमाकेदार वीडियो मिलती रहती हैं। ओके, चलता हूँ, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।